नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरसर में। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। बहुत अच्छा है मित्रों, व्यस्त रहिएगा। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है और अपना सपना साकार करना है। उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए आपको अपना शिक्षा के क्षेत्र में पूरा योगदान देना होगा, जिससे उत्तर प्रदेश सशक्त बन सके और उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में नंबर वन पे आ सके। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये टीजीटी आर्टिफिशियल होगी और इसमें हम लोग समसामयिक कलाकार का नाम पढ़ेंगे। दो महत्वपूर्ण कलाकार होंगे, एक डी देवलाली कर होंगे और दूसरा कलाकार का नाम शोभा सिंह होगा। मित्रों, दो कलाकारों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास है। डी देवलालीकर की अगर बात होती है तो 1893 से 1978 तक इनका कार्यकाल रहा है। डी देवलालीकर का जो जन्म है मित्रों, वो 1893 में मध्य प्रदेश के धार के निकट बड़वाल गांव में हुआ। वही धार मित्रों जहां पर आपका बाघ गुफा स्थित है। कौन सी गुफा है? बाघ गुफा स्थित है, वही वारा धार है, तो धार जिले में होता है। कला की अगर आरंभिक शिक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो अपने मामा श्री मांड बावारकर से जो है ये कला की शिक्षा स्टार्टिंग में लेते हैं, लेकिन जब डी देवलालीकर के प्रयास में ग्वालियर में भी 1954 में ललित कला अकादमी संस्थान की स्थापना हो जाती है और इनके संस्थापक प्राचार्य भी बन जाते हैं। अब कला की शिक्षा स्टार्टिंग में तो मामा से ले ली, लेकिन जो विशेष शिक्षा है मित्रों वो कहाँ लेने जाएंगे? तो ये आगे जाएंगे, मुंबई तक जाते हैं सफ़र करने। आगे कहा जाए तो देवलालीकर को तैलीय रंग में चित्रण करना विशेष प्रिय रहा है मित्रों। तो इनका सबसे प्रिय माध्यम क्या रहा? तैल रंग रहा, याद रखना। डी देवलालीकर किस में ज़्यादा रचना बनाते थे? तैल रंग इनका प्रिय विषय रहा है, तो तैल रंग पे ज़्यादा काम किए। आगे बात करेंगे तो देवलालीकर संवेदनशील और विलक्षण चित्रकार के साथ साथ शिक्षक भी रहे हैं। आप जानते होंगे इनके चेलों में बहुत सारा नाम आता है। डी देवलालीकर से ही इंदौर में कला की शिक्षा किसने ग्रहण की थी? मकबूल फिदा हुसैन ने ग्रहण की थी मित्रों, तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे कहा जाए तो आगे आता है मित्रों कि इन्होंने ऐतिहासिक व धार्मिक विषयों पर अधिक चित्र बनाए। सन 1927 ईस्वी में देवलालीकर और तत्कालीन होलकर शासकों के सहयोग से ललित कला संस्थान इंदौर की भी स्थापना हो जाती है। कब होती है? 1927 में होती है। ललित कला संस्थान इंदौर के प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं मित्रों, वो दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर को ही बनाया जाता है। तो पहले अध्यक्ष जो है यही बनाए जाते हैं ललित कला संस्थान इंदौर के। आगे बात करें तो इनके निधन की बात आती है मित्रों। आप जानते हैं डी देवलालीकर का दुखद निधन 1978 में दिल्ली में हो जाता है, तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि डी देवलालीकर से अगर क्वेश्चंस बनता है तो फिर ये पॉइंट्स जरूर पूछा जाता है, तो इन्हें समझने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ें, शोभा सिंह का नाम आएगा मित्रों। 1901 में जन्म और 1986 में दुखद निधन होता है। शोभा सिंह का जन्म 1901 में पंजाब के हरगोविंदपुर गुरदासपुर में हुआ था। पंजाब राज्य में आधुनिक कला आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हीं के पास है, तो याद रखना आधुनिक कला को स्टार्ट करने का जो काम रहा वो आपके शोभा सिंह का ही रहा है पंजाब राज्य में। आगे बढ़े तो आगे कहा जाता है शोभा सिंह का मुख्यतया कला केंद्र सिख गुरुओं के जीवन और उनके कार्यों पर निर्भर रहा है मित्रों। और सन 1983 ईस्वी में शोभा सिंह को भारत सरकार एक पुरस्कार देती है, जो चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, जिसे हम लोग पद्मश्री के नाम से जानते हैं, तो पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने शोभा सिंह के जीवन और कार्यों के आधार पर पेंटर ऑफ द पीपल एक फिल्म बनाई मित्रों। किसने बनाई? भारत सरकार ने बनाई। किसके ऊपर है? शोभा सिंह के ऊपर है। तो पेंटर ऑफ द पीपल जैसी फिल्म पूछी जा सकती है, अच्छी फिल्म है मित्रों, आपसे हो सकता घूम के पूछ ले, तो याद रखना। आगे कहा जाता है 2001 में भारत सरकार द्वारा शोभा सिंह के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया जाता है। तो भारत सरकार डाक टिकट भी जारी कर दे तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट कलाकार है। तो शोभा सिंह बंगाल के लिए नहीं, शोभा सिंह पंजाब के लिए बहुत अच्छा नाम है, याद रखना। शोभा सिंह की मृत्यु 1986 में चंडीगढ़ में हो जाती है और शोभा सिंह ने ड्राफ्ट्समैन के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी अपनी सेवाएं दी हैं। किसमें? ड्राफ्ट्समैन के पद पे जो है इन्होंने कार्य किया है। प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं मित्रों, तो 10 प्रमुख गुरुओं पर आधारित श्रृंखला शोभा सिंह ने बनाई है। सोहनी माहीवाल को इन्होंने बनाया है, हीर रांझा जैसी बढ़िया रचना इन्होंने बनाई है। उसके साथ शहीद भगत सिंह की बात हो तो ये रचना भी बहुत बढ़िया से इन्होंने उकेरी। अब कुछ अवाच्य मूर्ति शिल्पियों की बात करते हैं, तो कौन कौन सी मूर्तियां इन्होंने बनाई? तो जैसे एम एस रंधावा की मूर्ति इन्होंने बनाई है, पृथ्वी राज कपूर की मूर्ति बनाई है, अमृता प्रीतम की भी मूर्ति इन्होंने बनाई है, तो बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अवाच्य प्रतिमाएं भी बनाई हैं। शोभा सिंह इंपॉर्टेंट नाम है मित्रों, याद रखना होगा। 1986 में जिनका दुखद निधन चंडीगढ़ में होता है।
भारत सरकार इनके ऊपर जो डाक टिकट भी जारी कर सकती है, तो आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट नाम है। तो दोनों नाम बहुत इम्पोर्टेंट थे, आपने देखा होगा डी देवलालीकर का भी उल्लेख बहुत सारी जगहों पे हुआ है। तो डी देवलालीकर और आपके जो है शोभा सिंह को आपने पढ़ा, कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सलूट, जय हिंद।